मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार के विवादित बयान पर मुमरा के शिया मौलाना का जवाब। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर विवादित बयान देने पर एमएलए जितेंद्र अवार के बारे में शिया मौलाना ने दी अपनी राय। क्या था उनका कहना, क्या थी उनकी राय, देखिए उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत, शहर में कुछ हालात चल रहे हैं अवार्ड साहब के एक स्टेटमेंट को लेकर, आपका नजरिया इस पे जानना चाहते थे, तो आप जरा इस चीज पे रोशनी डालिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपका क्या कहना है, जो टिप्पणी की गई उसको। देखिए, हमारे शहर में नहीं पूरे मुल्क में जो है वो नफरत की साजिश की जा रही है और लोगों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। और इस नफरत फैलाने के लिए यह है कि लोगों के हर फिरके के रहनुमाओं को बुरा भला कहा जा रहा है। मैं मुमरा की आवाम से खुसूसन ये अपील करूंगा कि इस तरह के झांसे में ना आए, और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि किसी भी फिरके के या किसी भी मजहब के रहनुमा को बुरा भला कहते हैं, शायद उन्हें यह नहीं मालूम है कि हमारा हिंदुस्तान मुल्क जो है, हमारा भारत मुल्क बहुत सारे मजहबों का मजमुआ है और यहाँ हर फिरके के लोग रहते हैं। और हम ये समझते हैं कि कुरान मजीद की जो आयत है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए, ये शायद हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा साजिश है। कुरान तो पूरी दुनिया के लिए हिदायत है, पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ये आयत सादिक आती है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजाहिब और फिरके जो है हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान में हर फिरके के इंसान को ये सोच कर रहना चाहिए कि हमारा दीन अच्छा है लेकिन दूसरे का दीन ख़राब नहीं है। हमारे रहबर अच्छे हैं तो दूसरे के रहबर अगर आपकी नज़र में ख़राब है तो वो आप अपने दिल तक के रखे, उनको ख़राब कह के उनके मानने वालों की आस्थाओं को और उनके मानने वालों की के जज्बात को जो है ठेस न पहुंचा। मेरी यही अपील है। अभी लोगों की ऐसी मांग है, और भी कुछ पार्टी के लोग इस मसले में कूदे, उन्होंने हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह पे चादर भी चढ़ाई और इसके लिए कमेटी भी बनाई, और ये भी मांग की कि अगर ये गलती हुई है तो उनको खुलेआम आके माफी मांगना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इसके ये मसले पे? देखिए, दो चीज़ें होती है, एक चीज़ ये होती है कि आदमी जानबूझकर ऐसी शरारत करता है, और एक चीज़ ये होती है कि कभी जिसको उर्दू में सबकत लसानी कहते हैं या जबानी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये बात हो जाती। तो अगर ऐसा हो गया है और वो चाहते हैं अवाम में अपनी छवि को कायम रखना, तो ऐसे लोगों को दिल खोल के माफ़ी मांगना चाहिए, ताकि मुसलमानों के जज्बात को या किसी भी फिरके के जज्बात को जो ठेस पहुँचती है वो ठेस ना पहुँचे। मेरी ये हर नेता से यही गुजारिश है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।